हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, साफ सफाई की बात हो रही है और देश में सब तरफ सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी, आपका घर, इन सब में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको साफ करना जरूरी है और जिनके बारे में शायद ही लोग चिंतन करते हैं। आइए इस पर प्रकाश डालती हूँ। लेकिन इससे पहले सबसे जरूरी बात कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। साफ सफाई की बात करें तो सबसे पहली चीज है, शुक्र के लिए हम बोलते हैं कि व्यक्ति को साफ सुथरा रहना चाहिए, स्नान इत्यादि करना चाहिए, पानी में कोई सुगंधित पदार्थ डालकर स्नान करना चाहिए और इससे शुक्र बलवती होता है, शुक्र को बल मिलता है। इसके अलावा शुक्र को बलवान करने का एक उपाय ये भी है कि एक ही कपड़े बिना धोए दोबारा ना पहने। ये मैं अपनी पूर्व वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जब एक बार आप कोई ड्रेस पहनते हैं तो उसको दोबारा ना पहने, इसे सोच समझ कर आप पहने, स्पेशली जो घर का कपड़ा है। क्योंकि बाहर आप अगर पहनकर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बार बार नहीं धुल सकता। कुछ कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं तो बार बार उसको ड्राई क्लीन भी नहीं कराया जाता, लेकिन रेगुलर जो घर में पहनने वाले आपके कपड़े होते हैं उसको जरूर वॉश करें और प्रेस करें, तभी आप उस वस्त्र को, कपड़े को धारण करें, इससे शुक्र अच्छा होता है। इसके अलावा यदि आप अपनी नोज़ को प्रॉपर क्लीन नहीं करते हैं, नोज़ी को साफ नहीं करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है बार बार साफ करते रहते हैं, कुछ लोग साफ नहीं करते हैं। अब ये जो करते हैं वो ये ना बोलें कि भाई हम तो रोज ही साफ करते हैं, ये भी कोई बताने की बात है, क्योंकि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। तो जिनकी नाक प्रॉपर जो लोग साफ नहीं करते हैं उनका बृहस्पति ग्रह खराब होता है, तो इसलिए नोज को हमेशा क्लीन रखें और अपने बृहस्पति को अच्छा रखें। इसके अलावा दांतों को यदि क्लीन नहीं रखा जाता है तो उससे बुध ग्रह खराब होता है, और बुध ग्रह को अगर अच्छा रखें तो फिटकरी से भी आप दांत साफ कर सकते हैं, और दांतों को हमेशा क्लीन करा के रखें तो इससे बुध ग्रह को पावर मिलती है। पूरी बॉडी को, स्पेशली यदि आप जैसे आपके नेल्स वगैरह हैं, हेयर हैं, इनको प्रॉपरली कट करके नहीं रखते हैं, नेल आपके आड़े टेढ़े हैं, तो शनि ग्रह कुपित होता है, राहु ग्रह कुपित होता है, तो इसलिए इनको भी क्लीन करके रखें और अपने शनि राहु की भी आप शांति करें। इस तरह से स्पेशली जैसे बॉडी है, बॉडी में पसीना आता है बार बार, उसको नहीं पोंछा जाता, और बार बार कोई इंसान होता है ना, रोने की आदत होती है, छोटी छोटी बातों पे आंसू भरे रहते हैं, तो इससे चंद्रमा खराब होता है। तो इसलिए आप चंद्रमा को भी अच्छा करिए और इन बातों से आप बचिए, तनाव से बचिए, मानसिक शांति रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। इसके अलावा अपनी पूरी बॉडी को, अपनी सोल को क्लीन करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए दूसरों के लिए भला करने का सोचिए, किसी का भी अनिष्ट ना सोचें। इसके अलावा जलन की भावना ना रखें किसी से भी, कोई आप किसी को, कोई तरक्की कर रहा है इंसान और बेवजह उससे जलना, इससे तो फिर आपके सारे ग्रह खराब हो जाते हैं, आपकी ऑरा भी खराब हो जाती है। परिणाम उस व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा जो आगे बढ़ रहा है, परिणाम आप पर पड़ेगा जो आप उससे, उसको देखकर जल रहे हैं। इससे आपका मंगल भी दूषित होता है, जलन की भावना से शनि दूषित हो गया, मंगल दूषित हो गया, तो आपको इन सब जो मन के जिसको बोलते हैं दुश्चिंतन है और विकार हैं, इनसे आप मुक्त होइए और अपने जो पूरी बॉडी है उसको नीट एंड क्लीन रखिए, इनर सोल को भी और आउटर बॉडी को भी। तो आपके सारे ग्रह, नवग्रह देखिए बिना कुछ खर्चा किए बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, यह बिल्कुल ही फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद।